क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.2 फोर्थ क्वेश्चन. बच्चों देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. बच्चों हमें ये बताना है, फर्स्ट पार्ट ये है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है इसके बारे में बताना है. तो बच्चों देखो हम यहाँ पे एक वैल्यू लेके पुट करते हैं, एक वैल्यू लेट कर लिया हमने, लेट किया है ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू 60. दोनों एंगल पे लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है बच्चों. अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स मान के चलेंगे हम इसको. सो ये हो गया साइन ए के जगह पे हमने 30 डाला, बी के जगह पे 60 डाला डिग्री. सिमिलरली राइट हैंड साइड में साइन ए के जगह पे 30 प्लस साइन बी के जगह पे 60. अब बच्चों ये देखो क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा साइन 90 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री. क्या ये दोनों इक्वल है? तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है. 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. जब इसका फर्दर हम एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा 1+√3 जो कि 1 के इक्वल नहीं है. दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज़ फॉल्स. ये हो गया हमारा फॉल्स. रीज़न आपको मिल गया, रीज़न यही है. हम एग्जांपल लेंगे, जस्टिफाई करेंगे ऐसे हम अपने आंसर्स को, ठीक है बच्चों. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में बच्चों ये बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो देखो बच्चों 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, हमें ये तो याद है. साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती थी, इसकी 1/2, इसकी 1/√2, इसकी वैल्यू होती थी √3/2 और इसकी 1. देख रहे हो 0 से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 हाईएस्ट हो गया ना, देख रहे हो 0 से हाफ हुआ, हाफ से 1 हो गया, इंक्रीज कर रहा है. इसकी वैल्यू के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो ये भी 1 से कम ही होगा और इससे बड़ा ये होगा. एक्चुअली √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732. जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.88 हो जाएगा और 6 इतना आएगा 0.888. तो 1 से कम है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी. ये कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया था. तो ये हो गया हमारा ट्रू, ये क्या होगा, ट्रू होगा, ये हो गया आंसर. थर्ड पार्ट में बच्चों ये देखो कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. जैसे जैसे थीटा बढ़ता है क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है? तो यहीं पे इसी चार्ट में हम कॉस थीटा की वैल्यू को लिखते हैं. कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, आपको पता ही होगा. 30 की वैल्यू ये वाली हो जाती है √3/2 और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये √1/2. 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और 90 पे 0 हो जाएगा. तो देखो बच्चों जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है थीटा की वैल्यू घटती जा रही है, डिक्रीज कर रही है. सो ये हो गया हमारा फॉल्स, ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है बच्चों. जैसे जैसे कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता है कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाती है, लेकिन साइन में जस्ट एंगल इंक्रीज करता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन कॉस में कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है बच्चों. अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसका जो है उसको देख लेते हैं. साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. क्या हर एक वैल्यू के लिए, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है बच्चों? तो आप जान लो सिर्फ 45 पे साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है, ना कि हर एक वैल्यू के लिए. हर एक पे कहाँ चेंज, देखो तो 0 पे इसका अलग वैल्यू आ रहा है, 0 पे इसका अलग और कॉस का अलग वैल्यू आ रहा है, 30 पे भी अलग अलग वैल्यू है, सिर्फ 45 पे इक्वल है, बाकी सब पे अलग अलग आ रही है. तो ये हो गया हमारा फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है बच्चों. कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0. तो आपको देख लो टैन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0, आपको याद होगा. तो कॉट तो इसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट
ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 1/10 a, तो इसको लिख सकते हैं 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। तो इट इज़ ट्रू, ये है ट्रू हमारा, ये ट्रू है।